बचाने और इंसाफ की गुहार लगाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। महिला ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि पीड़ित महिला आबकारी विभाग में पदस्थ है। उसका आरोप इतने संगीन है कि आबकारी विभाग के सहायक अधीक्षक मुंह छिपाते फिर रहे हैं। महिला कर्मचारी का आरोप है कि आबकारी विभाग के सहायक अधीक्षक कल्याण सिंह अलावा द्वारा लगातार ये कोशिश की जा रही है किसी भी तरह से वो उसके साथ शारीरिक संबंध बना ले और कल्याण सिंह की हर इच्छा पूरी कर दे। लेकिन महिला ने हर वक्त इस बात का विरोध किया तो हर समय कल्याण सिंह अलावा अपने पद का दुरुपयोग कर उसके कार्य में अड़चने पैदा करता रहा। बावजूद इसके महिला कर्मचारी में सहायक अधीक्षक की एक बात तक नहीं मानी। हालांकि समय समय पर महिला ने विभाग के आला अधिकारियों से इस बात की शिकायत की लेकिन आबकारी विभाग के किसी अधिकारी ने महिला की सहायता नहीं की और न ही कल्याण सिंह अलावा पर कोई एक्शन लिया। महिला का कहना है कि मैंने प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान तक शिकायत पहुंचाई है लेकिन आज तक सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से उनकी भांजी को इस मामले में कोई सहायता नहीं की गई और न ही इस मामले पर कोई पहल की गई है। महिला ने चेतावनी दी है यदि उसे न्याय नहीं मिला तो उसे मरना ही पड़ेगा। पीड़ित महिला कर्मचारी ने बताया कि जब वो महिला थाने में शिकायत करने गई तो अपने पद के प्रभाव का उपयोग कर कल्याण सिंह अलावा ने महिला थाने पर भी मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। हालांकि महिला के कार्यस्थल क्षेत्र में स्थित विजयनगर पुलिस ने महिला की शिकायत पर छेड़खानी सहित अन्य मामलों पर केस दर्ज किया है। महिला ने बताया कि विजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी ने मेरी पीड़ा को समझकर मुकदमा दर्ज किया है लेकिन अभी भी महिला को अंदेशा है कि अभी भी विभागीय अधिकारी कल्याण सिंह अलावा को बचाने की कोशिश में जुटे हैं और अभी तक कल्याण सिंह अलावा की गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। तो वहीं विजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी ने बताया कि आबकारी विभाग की महिला कर्मचारी द्वारा सहायक अधीक्षक के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत दर्ज की गई है और उसकी जांच भी की जा रही है। उन्होंने अन्य जगह भी महिला ने शिकायत की थी। उन सभी शिकायतों को विवेचना में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। आबकारी विभाग की एक कर्मचारी महिला कर्मचारी द्वारा सहायक अधीक्षक के खिलाफ छेड़खानी की कंप्लेन की है, उसकी जांच की जा रही है। विगत एक दो साल से प्रताड़ना बता रही है, उसकी जांच वहां पर जो कमेटी थी उसने भी की है, उसने अन्य जगह भी कंप्लेन की थी। उस सब चीज के भी प्रकरण की विवेचना के दौरान सारी जांच उसमें संलग्न कर तदनुसार कार्रवाई की जा रही है।